किए गए थे और अब पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया है। एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, भारतीय कुश्ती संघ ने दी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में जीते 5 खिलाड़ियों को दी गई बधाई। सांसद बृजभूषण सिंह शरण ने दी है बधाई। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजराज सिंह नागर ने भी बधाई दी है। तो भारतीय कुश्ती संघ की ओर से खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई हैं, जीत पर बधाई दी गई है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है और विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में जीतने वाले 5 खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी गई है। सांसद बृजभूषण सिंह शरण की ओर से बधाई दी गई है, साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजराज सिंह नागर ने भी बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी हैं भारतीय कुश्ती संघ ने। विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले और जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है, बधाई संदेश दिया है, शुभकामनाएं दी हैं भारतीय कुश्ती संघ ने, शुभकामनाएं और बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है इस बधाई संदेश के जरिए और शुभकामनाओं के जरिए। विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में 5 खिलाड़ियों ने जीत हासिल की। सांसद बृजभूषण सिंह शरण ने भी बधाई दी है, साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजराज सिंह नागर, उन्होंने भी बधाई दी है।